कैसे डानमी ग्रेस ने उज्बेकिस्तान में हिस्ट्री बनाई इंडिया के लिए। एंड अंडर 23 एशिया कप का हमने क्वालिफायर्स का ग्रुप देख लिया है इंडिया का, बट इंडिया की टीम का कोच कौन होगा एंड फ्रंट रनर्स कौन है, 3 नाम अंडर 23 के कोच बनने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डानमी ग्रेस, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि उन्होंने उज्बेकिस्तान में हिस्ट्री क्रिएट करी है इस साल में। मनीषा कल्याण को हम ऑफकोर्स जानते हैं कि उन्होंने साइप्रस में कैसे हिस्ट्री क्रिएट करी इंडिया के लिए, बट डानमी ग्रेस ने उज्बेकिस्तान एंड फिर इंडिया में दोनों जगह हिस्ट्री क्रिएट करी है। उज्बेकिस्तान में जहाँ पे वो क्लब के लिए खेलती हैं फुटबॉल, सिवेंच कारशी के लिए, वहाँ पे उन्होंने उज्बेकिस्तान के उस क्लब के लिए लीग भी जीती है एंड लीग कप भी जीता है, वुमेन्स लीग कप भी जीता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो वुमेन्स है, वो चाहे हम यूरोपियन स्टेज पे बात करें या चाहे हम एशिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाके लीग खेलने की बात करें, दोनों जगह हमारी वुमेन्स काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करा रही हैं हमारे को, ट्रॉफीज जीत रही हैं एंड कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं कि इंडियंस कैन प्ले इन यूरोपियन लीग्स एंड एशियन लीग्स एज वेल। एंड यही नहीं, डांगमी ग्रेस ने वो दो लीग और लीग कप जीतने के बाद उज्बेकिस्तान में, इंडिया में आई वो एंड गोकुलम केरला के साथ इंडियन वुमेन्स लीग भी जीती। तो कहीं ना कहीं डांगमी ग्रेस ने अपना ट्रैवल पूरा कर लिया इस साल में। एंड मोर ओवर उन्होंने PFIA का वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम करा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बढ़िया साल रहा है हमारी इंडियन फुटबॉलर्स के लिए। अगर मैं वुमेन्स की बात करूं, ज्योति चौहान की बात करूं, मनीषा कल्याण की बात करूं या फिर अब डांगमी ग्रेस, कहीं ना कहीं हमारी वुमेन्स फुटबॉलर्स दिखा रही हैं कि यस, हमारे इंडियंस में टैलेंट है कि वो फुटबॉल खेल सकते हैं बाहर की कंट्रीज में जाके, चाहे वो यूरोप की कोई कंट्री हो या फिर कोई एशिया की कंट्री हो। बट अब देखने की बात ये होगी कि कब हमारे लड़के, हमारे मेंस कब बाहर जाएंगे यूरोपियन स्टेज पे किसी क्लब को ज्वाइन करके उनके साथ अपना नाम रोशन करेंगे, इंडिया का भी एंड अपना भी, बाय विनिंग अ लीग और बाय स्कोरिंग अ गोल। देर अब सिर्फ उसी बात की है कि कब हमारे मेंस हमें फील प्राउड करवाएंगे। वेल लेट सी। बट अंडर 23 का जो हमने एशिया कप का क्वालिफायर्स का ड्रॉ देखा परसों, उसके बाद एक काफी कॉमन क्वेश्चन है ये कि कौन हमारा कोच बनेगा, क्योंकि इगोर स्टीमैच इज नॉट अवेलेबल दिस टाइम टू लीड अवर अंडर 23 टीम इन एशिया कप क्वालिफायर्स, क्योंकि उस टाइम पे हम किंग्स कप खेल रहे होंगे। तो सीनियर टीम फर्स्ट प्रायोरिटी है इगोर स्टीमैच की, तो वो हमारी सीनियर टीम के साथ उस टाइम होंगे, मेंस की सीनियर टीम। बट 3 नाम जो निकल के आ रहे हैं जो कि फ्रंट रनर हैं अंडर 23 इंडियन टीम के कोच बनने के लिए, फर्स्ट इज क्लिफर्ड मेरांडा। ऑफ कोर्स हमने देखा उनका ट्रायम्फ कितना बढ़िया था सुपर कप में उड़ीसा FC के लिए, एंड अब क्योंकि वो नहीं है उड़ीसा FC के कोच, सर्जियो लोबेरा हैं, तो कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि क्लिफर्ड मेरांडा बने हमारे अंडर 23 के कोच। बट सेकेंड नाम जो आ रहा है वो आ रहा है बिबियानो फर्नैंडेस का। बिबियानो फर्नैंडेस ने पहले भी अंडर 23 की टीम के साथ काम करा हुआ है, वी ऑल नो कितना बढ़िया काम करा है उन्होंने, एंड हम देख रहे हैं कि अंडर 17 इंडिया के साथ भी वो कितने बढ़िया रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पेन में जाके टीम्स को हरा रहे हैं एंड जर्मनी में जाके भी हमने कल देखा कैसे उन्होंने ऑग्सबर्ग को हराया। तो कहीं ना कहीं ये दो फ्रंट रनर्स हैं। बट जो थर्ड नाम आ रहा है वो आ रहा है महेश गवली का, उन्होंने भी इंडियन एरोज को कोच करा हुआ है एंड अंडर 19 के भी असिस्टेंट मैनेजर वो रह चुके हैं। एंड लेट सी कि इन तीनों में से कौन हमारा नया कोच बनेगा अंडर 23 एशिया कप का। वेल, इन माय ओपिनियन क्लिफर्ड मेरांडा को होना चाहिए कोच हमारा। काफ़ी लोग इसे सहमत नहीं होंगे, बट अभी अभी उन्होंने इतनी अच्छी कैंपेन एक उन्होंने कराए उड़ीसा FC के लिए, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन इंडिया। एंड आई थिंक के बिबियानो फर्नैंडेस को अंडर 17 को ही लीड कर दे करना देना चाहिए उनको अभी लंबे टाइम तक, क्योंकि अगर वो हमारे अच्छे अच्छे टैलेंट्स निकालेंगे, बिबियानो फर्नैंडेस उनको नर्चर करेंगे, क्योंकि एक ऐसे कोच है फर्नैंडेस जिनको पता है कि नर्चर कैसे करना है अंडर 17 लेवल पे, अंडर 20 लेवल पे। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि बिबियानो फर्नैंडेस ना बने एंड क्लिफर्ड मिरांडा आई थिंक बनना चाहिए उनको, खाली भी है इस टाइम वो एंड
उनको अभी अभी इतनी बड़ी ट्रॉफी जीती है, उन्होंने तो डेस्परेट होंगे वो भी काफ़ी कि मेरी नई जॉब कौन सी होगी। तो कहीं ना कहीं क्लिफर्ड मिरांडा आई थिंक शायद बन जाएंगे हमारे अंडर 23 के कोच, बट लेट्स सी कौन बनता है। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन।